नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहाँ पर हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम लेके आए हैं 6 से 6,500 रुपए की प्राइस रेंज में मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है जियोनी की ओर से आने वाला जियोनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन जियोनी मैक्स, और दूसरा स्मार्टफोन हमारे पास है टेक्नो की ओर से आने वाला टेक्नो स्पार्क गो 2020। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन और कैमरा पर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसे वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ये है दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। दोनों मोबाइल के बॉक्स में आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक साइड थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन। दोनों मोबाइल के बॉक्स हो गए हैं ओपन। शुरुआत करते हैं जियोनी मैक्स से। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसको ओपन करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद आता है स्मार्टफोन, फिलहाल इसे रख लेते हैं साइड में। वहीं टेक्नो स्पार्क गो में भी आपको एक स्मार्टफोन सबसे ऊपर दिया गया है, इसे भी हम रख लेते हैं साइड में। तो टेक्नो स्पार्क गो में आपको क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड दिए गए हैं, और अंदर देखें तो यहाँ हमें मिलते हैं चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल। लगभग एक जैसे चार्जर अडेप्टर आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। जियोनी मैक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर दिया गया है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। वहीं टेक्नो में आपको मिलता है 7 वॉट का चार्जर, जिसकी आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर की। बाकी यूएसबी केबल आपको दोनों ही स्मार्टफोन में माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। यही दोनों स्मार्टफोन, फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का साइज का डिफरेंट काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। टेक्नो गो स्पार्क काफी बड़ा है साइज में जियोनी मैक्स से। बाकी टेक्नो गो स्पार्क में आपको पहले से स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है, जियोनी मैक्स में आपको बॉक्स के अंदर स्क्रैच गार्ड अलग से दिया गया है। बाकी दोनों ही मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। और नजर डालें दोनों मोबाइल के बैक साइड पर, तो दोनों ही मोबाइल में आपको कर्वी बैक पैनल दिया गया है और दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है। जियोनी मैक्स में आपको बैक साइड का जो फिनिशिंग है बिल्कुल मैट फिनिशिंग यहां पर दी गई है। टेक्नो स्पार्क गो में आपको बैक साइड में काफी ग्लोसी फिनिश देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर। कैमरा सेटअप पे नजर डाले तो दोनों ही मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल के मेन रियर कैमरा दिए गए हैं। साथ ही आपको जियोनी मैक्स में बुके लेंस दिया गया है दूसरा, और यहाँ पर आपको AI लेंस दिया गया है। LED फ्लैशलाइट भी आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर कैमरा दिया गया है। जियोनी मैक्स में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और टेक्नो स्पार्क गो में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोनों मोबाइल के राइट साइड पर नजर डाले तो दोनों मोबाइल में आपको पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड देखें तो जियोनी मैक्स में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। टेक्नो मोबाइल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है ऊपर की साइड। लेफ्ट साइड में आपको दोनों ही मोबाइल में कुछ भी नहीं दिया गया है। मोबाइल के नीचे की साइड नजर डाले तो यहाँ पर आपको चार्जिंग जैक दिया गया है और टेक्नो में आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, और यहाँ पर आपको प्राइमरी माइक दिया गया है। बाकी दोनों मोबाइल के मीडिया स्पीकर आपको बैक साइड में नीचे की साइड देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों मोबाइल के कवर आप ओपन कर सकते हैं, तो दोनों मोबाइल के कवर को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों मोबाइल के कवर कर दिए हैं ओपन। टेक्नो स्पार्क गो में आपको 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर मेटल से पैक्ड मिलती है, जबकि जियोनी मैक्स में आप इस बैटरी को अलग से निकाल भी सकते हैं, ये भी 5000 mAh की बैटरी है। दोनों ही मोबाइल में आपको 2 सिम कार्ड स्लॉट और 1 मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस दोनों की कर दी है फुल। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में आपको काफी कमाल की डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर दोनों मोबाइल का यूजर इंटरफेस देखें तो दोनों ही मोबाइल में आप स्क्रॉल अप करें तो यहाँ आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिल जाती है। कुछ ऐप आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल दी गई है। तो बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो जियोनी मैक्स में आपको मिलती है 6.1 इंच की HD+ IPS LCD। टेक्नो स्पार्क गो में मिलती है आपको 6.52 इंच की HD+ TFT LCD। दोनों मोबाइल के स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 720x1560 पिक्सल का आपको मिलता है जियोनी मैक्स में, 720x1600 पिक्सल का मिलता है टेक्नो स्पार्क गो में। पिक्सल डेंसिटी 282 ppi की आपको जियोनी में मिलती है और 269 ppi की मिलती है टेक्नो स्पार्क गो में। चलिए दोनों स्मार्टफोन की हाइट की बात कर लेते हैं, तो जियोनी मैक्स में आपको 148 mm की हाइट मिलती है, टेक्नो स्पार्क गो में मिलती है 165.6 mm की
की हाइट। थिकनेस की बात करें तो Xiaomi Max में आपको 10.7 मिलीमीटर की थिकनेस दी गई है, यानी कि ये मोबाइल काफी ज्यादा मोटा है, जबकि टेक्नो स्पार गो में आपको 9.1 mm की थिकनेस मिलती है। वहीं वेट की बात की जाए तो 185 ग्राम का हमारा Xiaomi Max है और 193 ग्राम का है टेक्नो स्पार गो। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन का काफी स्मूथ टच है और काफी अच्छा वर्क कर रहा है। चलिए बात करते हैं दोनों मोबाइल के प्रोसेसर की, तो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको मिलता है Xiaomi Max में, टेक्नो स्पार गो में मिलता है आपको 2 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर। चिपसेट की बात करें तो Xiaomi Max में आपको मिलता है यूनि एसओसी SC9863A का चिपसेट और टेक्नो स्पार गो में मिलता है मीडियाटेक हीलियो A20 का चिपसेट। बाकी दोनों ही मोबाइल में आपको 2GB की रैम दी गई है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों मोबाइल में आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन आपको दोनों ही मोबाइल में लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को नॉर्मल मोड में हमने कर दिया है ऑन, तो कैमरा क्वालिटी आपको दोनों ही स्मार्टफोन से काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जूम करके देखें तो 4x तक जूम कर सकते हैं हम Xiaomi Max से, और टेक्नो स्पार गो से भी हम 4x तक जूम कर सकते हैं। दोनों मोबाइल का हमने 4x जूम कर दिया है, फिर भी हमें काफी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन से। वहीं बात करें दोनों मोबाइल के सेल्फी कैमरा की, तो यह है दोनों मोबाइल के सेल्फी कैमरा से ली गई सेल्फी। तो यहाँ पर सेल्फी के मामले में टेक्नो स्पार गो में आपको काफी अच्छी सेल्फी देखने को मिल जाती है, और यह है Xiaomi Max से ली गई सेल्फी, और यह है टेक्नो स्पार गो से ली गई। पसीना ही पसीना आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन सेल्फी आपको दोनों ही मोबाइल से काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए, 6000 का आपको मिलता है Xiaomi Max, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जबकि 500 रुपए और ऊपर खर्च करने पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है टेक्नो स्पार गो में। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से काफी कमाल के स्मार्टफोन है। इस प्राइस रेंज में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको मोबाइल मिल रहे हैं, तो काफी अच्छी चॉइस है, आप खरीद सकते हैं। दोनों ही मोबाइल फुल पैसा वसूल है, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।